वेलकम टू यू माय चैनल। मैं अपने सभी दोस्तों का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक क्रॉकरी शोकेस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जो कि मैंने अपने किचन की साइड में बनाया, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में किचन दिखाई थी। मैंने उसी किचन का एक शोकेस बनाया बर्तनों का, जिसे आप पेनेट्री बोलते हैं। मैं अगर अपने क्रॉकरी शोकेस की बात करूँ, जो कि मैंने इसका साइज बनाया वो किचन की ऊंचाई तक के बनाए, जहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है लाइट का। और अगर हम बात करें चौड़ाई की, हमने जो चौड़ाई रखी है इसकी वो 4 फुट रखी है, और ऊंचाई है वो आपकी लगभग 7.5 फीट है, जो कि इस अनुसार है जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं अगर अपने यहाँ की गहराई की बात करूँ, नीचे के साइड की हमने जो उसमें दराज बना रखी है वो 24 इंच बना रखी है। और बात करते हैं यहाँ के शोकेस की, जो हमने चौड़ाई ले रखी है इसकी साइड की, वो 18 इंच है। और बात करते हैं ऊपर की साइड की, जहाँ पर लाइट देख रहे हैं आप लगी हुई, उसके हमने जो चौड़ाई रखी है वो 24 इंच की रखी है। यानी कि कुल बात मिला के जो हमने इसमें गैप रखा है, इसको पीछा करने के लिए शोकेस को हमने 6 इंच रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ खोलकर, जो कि इस अनुसार है यहाँ पर आप देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था अपने शोकेस के बारे में। यहाँ पर हमने इसमें 2 पल्ले दिए गए हैं, जो कि अगर हम पल्ले की बात करते हैं, यहाँ पर हमने जो पल्लों में फ्रेम बना रखा है चारों साइड का, वो हमने जो फ्रेम बना रखा है वो 4 इंच का बना रखा है। और हम बात करते हैं अपने यहाँ के शीशे की, जो इस पर डिज़ाइन निकला हुआ है, इस डिज़ाइन को जो आप बोलते हैं टुकड़ी वाला डिज़ाइन बोलते हैं। और इसकी अगर हम शीशे की बात करें, जो कि यहाँ पर मोटाई रहेगी वो 6 mm की। इसमें आपके 2 तरह के शीशे आते हैं प्लेन में, जैसे कि आपको पल्ले पर लगाना होता है उसमें आपका 5 mm का शीशा भी आता है और 6 mm का भी शीशा आता है। इसमें हमने 6 mm का शीशा ले रखा है और इसकी चारों साइड से हमने ग्राइंडिंग करा रखी है। और हम बात करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हमने इसमें हाइड्रोलिक कब्ज़े लगा रखे हैं एटिच कंपनी के। और बात करते हैं अपने कब्ज़े की, जो कि हमारा कब्ज़ा आएगा वो 25 mm का, 0 नंबर का। यहाँ पर इसमें हमने PVC कॉर्नर लगा रखे हैं, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर इसमें हमने सेट कर रखा है, इसमें हमने 25 mm का पैच लगा रखा है, जो कि हमारी फ्रेम की जो मोटाई है वो 25 mm, यानी कि डबल कोर का बोर्ड हमारा। और हमने यहाँ पर इसमें PVC टेप लगा रखी है यहाँ पर। और अंदर की साइड की बात करते हैं, यहाँ पर भी हमने इसमें PVC टेप की इसमें पेस्टिंग की है। और बात करते हैं अंदर के खाने की, यहाँ पर इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हमने यहाँ पर इसमें 5 खाने बना रखे हैं, यानी कि 4 स्लैब दिए गए हैं। और अगर हम अपने स्लैब की ऊंचाई की बात करें, ये लगभग आपके जो स्लैब हैंगे लगभग 14 इंच के आसपास है। और हमने जो स्लैब की इसमें यहाँ पर गहराई रख रखी है वो आपकी 16 इंच की है। अगर टोटल गहराई की बात करूँ मैं, अंदर ये 18 इंच है, यहाँ पर हमने इसको लगभग 2 इंच हमने इसको पीछे हटा रखा है। इसमें आप अपना कोई भी सेट वगैरह रख सकते हैं क्रॉकरी का, यानी कि इसमें आप डिनर सेट, लंच सेट और ब्रेकफास्ट सेट भी रख सकते हैं इसमें। और हम करते हैं इसको बंद, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 केचर लगा रखे हैं और इसमें हमने 4 हाइड्रोलिक कब्जे लगा रखे हैं इस प्रकार। और हम करते हैं इसको बंद। और बात करते हैं हम अपने दराज की, यहाँ पर इसमें 2 दराज देंगे, जो कि हम अगर दराज की बात करें, गहराई की, हमने 12 इंच का दराज बना रखा है और इसमें यहाँ पर हमने 12 इंच के हैंडल लगा रखे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें हमने इसकी जो गहराई रख रखी है अंदर से, वो लगभग 10 इंच है, 12 से 12 इंच की। और इस अनुसार हमने इसमें कार्य किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं PVC टेप लगी हुई, अंदर सनमाइका लगी हुई है। बात करते हैं नीचे की साइड की, यहाँ पर भी हमने इसमें सनमाइका लगा रखी है। और बात करते हैं नीचे की साइड की, यहाँ पर जो आप इसमें गैप देख रहे हैं 3 इंच का, यहाँ पर हमने इसमें 3 इंच के स्टील के पाए लगा रखे हैं, जो कि ब्लैक कलर में होते हैं, बहुत ही मज़बूत होते हैं। और इसमें आपको 2 फायदे रहेंगे ऊपर उठाने से, जो कि हमने शोकेस बना रखा है। इसमें आप यहाँ पर इसमें पानी की सफाई भी कर सकते हैं और झाड़ू भी लगा सकते हैं। इस अनुसार आप दूसरी तरफ का भी इसमें दराज देख सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी हमने इसी अनुसार बनाया, जो कि मैंने आपको साइज़ बताया। इसमें यहाँ पर भी इसमें टेप लगी हुई है और अंदर सनमाइका लगी हुई है। हमने यहाँ पर जो ऊपर का टॉप निकाल रखा है, ये ऊपर की साइड का, ये भी आपका इसमें यहाँ पर 6 इंच का इसमें ऊपर का टॉप हैगा। और यहाँ पर भी इसमें 12 इंच का हैंडल लगा हुआ है। दोस्तों, आप ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो अपना ऊपर की साइड से पल्लू से निकाल रखा है वो 6 इंच निकाल रखा है। इसमें जो आपकी लाइट लगी हुई है, 3 लाइट लगी हुई है वाइट कलर की। और मैं अगर बात करूं साइड से ऊपर की तरफ,
यहाँ पर हमने इसको 25 mm यानी कि 1 inch निकाल रखा है, जो कि हमारे इस शोकेस की बहुत ही खूबसूरती बना रहा है ऊपर की साइड का, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप एक बार दिखाओ। दोस्तों हम अंदर के खाने की बात करते हैं। यहाँ पर हमने इसमें ऑफ वाइट सनमाइका लगा रखी है भरपूर। इसमें आप पीछे की साइड भी ऑफ वाइट सनमाइका देख रहे हैं। यहाँ पर हमने जो आप सामने की साइड देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमने इसमें पीवीसी सनमाइका पीवीसी टेप लगा रखी है, और यहाँ पर भी इसमें अनुसार कार्य हो। और अगर हम पीछे की साइड की बात करें, जो कि दीवार की तरफ का हिस्सा है, हमने वहाँ पर भी इसमें सनमाइका लगा रखी है। उसमें आपको इस अलमारी में पूरे शोकेस में कहीं भी आपको इसमें पेंट वगैरह का कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं इसके अपने साइज़ की बात करूँ, जो कि हमने साइज़ रखा है इसका 7.5x4 का रखा है, जो हमारा किचन का ऊपर का जो आप हिस्सा देख रहे हो बिल्कुल एक लेवल है। मैं अगर अपने शोकेस की टोटल कॉस्ट की बात करूं, ये लगभग आपको 31,000 रुपये का पड़ जाएगा, यानी कि और अगर स्क्वायर फुट की बात करें, लगभग आपको 1100 रुपये 1000 रुपये के आसपास स्क्वायर फुट पड़ जाएगा। दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको, जो किचन का हमारा शोकेस था, क्रोकरी शोकेस था, मैंने इसकी आपको जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।